मैं हूँ मानव, वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि द कश्मीर फायर इज डूइंग वेरी वेरी वेल। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स टू ब्रिंग इन क्रिटिकल सब्जेक्ट विच मूव्स द सोसाइटी। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और सोसाइटी उसे सीखे ना कि लड़े, ये उससे ज़्यादा क्रिटिकल है, तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, ये मूवी आई, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करी। अब करीबन 2500 स्क्रीन्स के ऊपर ये चल रही है, तो अमेजिंग फीस। मतलब कहाँ 450 स्क्रीन मिले थे ये सोच के कि शायद ये मूवी का कॉन्टेंट बहुत लिमिटेड लोग को अपील करेगा, बट फाइनली अब इट इज रनिंग इन 2500 स्क्रीन्स। 200 स्क्रीन इंडिया से बाहर में है, तो टोटल 2700 स्क्रीन्स के ऊपर ये चल रही है, तो अमेजिंग काम हो गया है ये, तो अच्छा हो गया है ये, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच रहा है। अब दोस्तों, एक और रिलेटेड कॉन्वर्सेशन शुरू हुई कि अब हर हफ्ते कोई ना कोई मूवी तो रिलीज होगी, तो बच्चन पांडे इज गेटिंग रिलीज्ड ऑन दिस फ्राइडे 18th of March। अब टिपिकली क्या होता है कि कोई ना कोई मूवी किसी न किसी का रीमेक होती है। ये भी जिगर ठंडा जो मलयालम मूवी है उसका रीमेक है, और जिगर ठंडा का जो एक और रीमेक बना था जिसका नाम था गडाला कोंडा गणेश, ये सब ढिंचा चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये सारी मूवीज जो हैं ये अपने आप में कोरियन मूवी का रीमेक है जिसका नाम है अ डर्टी कार्निवल। अब ये सब लोगों को शायद नहीं पता है कि इतने सारे रीमेक्स ऑलरेडी इसके बन चुके हैं, बट लोगों को शायद लग रहा है कि साउथ वाली ओरिजिनल है। ऐसा है नहीं, ना मलयालम वर्जन ना तेलुगु वर्जन, ऐसा कोई भी वर्जन या तमिल वर्जन कोई भी ऐसा वर्जन नहीं है जो ओरिजिनल वर्जन है। ओरिजिनल वर्जन द डर्टी कार्निवल है जो कि कोरियन वर्जन है। अब तो मैंने एक सवाल पूछा कि भाई अब देखो 18 तो आ गया, अब बताइए आपके आप देखेंगे क्या बच्चन पांडे, तो लोगों ने बोला कि सिंपल कर लेते हैं, हाई मीडियम लो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। तो मैंने ये सर्वे जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ ये किया, और लोगों का मानना ये था कि जो हमारी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है 17% ने बोला बहुत हाई है, 13% ने बोला कि मीडियम है। तो ये समझ सकते हैं कि 17 और 13, 30% लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम लोग इस मूवी को शायद देखेंगे, और 70% लोग बोल रहे हैं लो। और ज़्यादातर लोग इसको रीमेक के नाम पे नहीं देखना चाहते हैं, जबकि इतने सारे रीमेक ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉमेंट्स मेरे को आए हैं, 7000 पहले तो वोट आए हैं और 250 कॉमेंट आए हैं इसके ऊपर, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं जी अब हम बॉलीवुड का कुछ नहीं देखेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये अक्षय कुमार की मूवी बॉलीवुड और जो हम अचीव करना चाहते हैं वो इसको ना देख के कैसे अचीव हो जाएगा, ये मुझे थोड़ा समझ में आया ही नहीं। बिकॉज आई थिंक अ सेंसिबल माइंड विल फर्स्ट सी द कंटेंट, सी हु आर बिहाइंड इट, एंड इफ द मूवी इज गुड वी विल गिव अ थम्स अप, अदरवाइज वी विल गिव अ थम्स डाउन। ये तो सेंसिबल बात हुई। बाकी जो लोगों का ऐसा मानना हो गया कि हम जाएंगे ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं, लेकिन हम घर बैठ के डाउनलोड करके देख लेंगे, और वो खुद ही मेरे यहाँ पर ही कॉमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे कॉमेंट कर करके मांगते रहते हैं कि कैसे देखें, कोई इलीगल तरीका बता दो, जो ऑब्वियसली मैं उनको रिकमेंड करता नहीं हूँ, बट वो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। तो पता नहीं ये दोगलेबाजी क्यों है। एनीवेज, अगर ये तरीके के सेंटीमेंट्स चलते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चन पांडे का जो बिजनेस है वो जरूर इम्पैक्ट होगा। 70% पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द थिएटर्स, एंड ऑब्वियसली द बिजनेस विल गेट इम्पैक्टेड। तो देखना होगा कि शायद इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता, और जितना होगा, एडवांस बुकिंग होनी शुरू हो गई है कल से, तो अब कितना होगा ये अब हम बता नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका पोटेंशियल था 20-25 crores का था, अब ये शायद इतना नहीं करेगी। तो आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि इज इट फेयर नॉट फेयर? पहले कॉन्टेंट देखो, फिर उसके बाद जज करो कि ऐसे अंधाधुन सबको ही अगर कर दोगे तो फिर वो फिर से ही एक कम्युनिटी टाइप हो गया, और उसको फिर आप बॉयकॉट टाइप के जोन के अंदर डाल दिया, विच इज ऑल्सो नॉट फेयर। तो अपने विचार जरूर शेयर करना। बाय बाय।